वेलकम टू कुकिंग शुकिंग विद प्रिया। आज मैं आपको पुदीना पाउडर बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही आसान और चुटकियों में हम इसको घर पे बना सकते हैं। तो दो तरीके से मैं आज आपको बनाना बताऊंगी, साथ ही साथ कुछ मैं आपको टिप्स भी दूंगी। आप मेरा वीडियो पूरा ध्यान से देखें। फलूदा मिक्स रेसिपी में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, जिसके विनर है माया पाटनी जी। आपको मेरे और भी वीडियोस देखने हैं तो ऊपर आप आई बटन में क्लिक कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दो तरीके से पुदीना सुखाना बताऊंगी, बहुत ही आसान है, चुटकियों में हम घर पे ही इसको आसानी से सुखा सकते हैं। एक बंच मैंने यहाँ पर ये पुदीना लिया है, इसको अच्छी तरह से इसकी डंडे तोड़ के हटा दी है और बिल्कुल इसको अच्छे से दो तीन बार साफ पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद एक बड़ी छलनी में इसको रखना है ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो आसानी से निकल जाए। थोड़ी देर के लिए हमें उसी में ही उसको छोड़ देना है, जिससे क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो है ऊपर से वो हल्का सूख जाएगा। मैंने यहाँ पर ये माइक्रोवेव सेफ ट्रे ली है, इसमें मैंने पुदीने को रख दिया है। कांच की माइक्रोवेव सेफ ट्रे भी हम उसकी जगह ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको माइक्रोवेव कर लेते हैं। तो माइक्रोवेव करने के लिए हमें इसको माइक्रोवेव में रखना पड़ेगा, तो 3 मिनट के लिए हमें इसको फैला के अच्छे से और इसको माइक्रोवेव करना है। इस तरह हमें ऊपर कांच पे ही इस ट्रे को रखना है और इसको माइक्रोवेव करना है। आप देखिए 3 मिनट तक मैंने इसको माइक्रोवेव किया था, काफी हद तक जो है पत्तियां जो है हमारी सूख गई है। एक बार हमने इसको और पलट दिया है, तो हम 2 मिनट और इसको माइक्रोवेव करेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि पुदीना सूखा या नहीं। देखिए 5 मिनट तक हमने इसको माइक्रोवेव किया था, आसानी से इसकी आवाज आप सुन सकते हैं, पुदीने के पत्ते जो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। देखिए मैं आपको क्रश करके बताती हूँ, आसानी से जो है इनका देखिए आसानी से ये क्रश हो रहे हैं। पुदीना बनकर हमारा तैयार है। बाउल पे एक जर रखी है और इसमें हम पुदीना डाल देंगे और हाथ से इसको हम क्रश करेंगे ताकि छन भी जाएगा और पुदीना जो है नीचे बारीक पार्ट इसका नीचे भी आ जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं पुदीने को मैंने अच्छे से छान लिया है, जो डंठल थे वो ऊपर आ गए हैं और कितना अच्छा पुदीना पाउडर हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप देखिए इस तरह माइक्रोवेव में भी आप चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव तो हर किसी के पास नहीं होता है ना, तो कैसे हम पुदीने को सुखाएंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका आज बताऊंगी, जो बहुत ही इजी है और बिना माइक्रोवेव के उसको हम घर पे सुखा सकते हैं। तो चलिए दूसरा तरीका भी हम सीख लेते हैं। इतना सारा पुदीना देखकर लग रहा होगा कि यार ये कैसे होगा, ये तो नहीं होगा हमसे, लेकिन घबराइए मत, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सुखाना बताऊंगी। तो यहाँ पर मैंने ये 4 किलो पुदीना लिया है, बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ इसकी डंडियां मैंने हटा दी है, 2-3 पानी से इसको अच्छे से वॉश करके इसका सारा पानी निकाल लिया है और थोड़ी देर तक हम इसका पानी अच्छे से झड़ने देंगे। जब अच्छे से झड़ जाएगा तो हमें इसको एक कॉटन कपड़े पे फैलाना है और कुछ भी नहीं करना है। एक खास टिप्स मैं आपको दूंगी, आप इसको धूप में नहीं सुखाइएगा, धूप में सुखाएंगे तो ये पुदीना जो है इसकी जो लीव है ना वो बिल्कुल काली पड़ जाएगी, तो हमें बिल्कुल इसको हरा रखना है, तो हमें इसको छांव में ही सुखाना है। बस हमें सिर्फ 2 दिन इसको कॉटन कपड़े पे कमरे में फैला देना है और कुछ भी नहीं करना है। जब 2 दिन हो जाएंगे तो ये अपने आप सूख कर तैयार हो जाएगा, आप इसको रख कर भूल जाइए कि आपने पुदीना सुखाया था। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना पुदीना, ये 1 दिन पहले का सुखाया हुआ है, ये मैंने 1 दिन पहले ही सुखाया था और इतना सूख कर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं इसके आवाज। इसको हमें भी 1 दिन और कपड़े पे फैलाना है। ये देखिए 2 दिन हो गए हैं और पुदीना हमारा कितना अच्छा सूख कर तैयार हो गया है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना ग्रीन कलर है, आवाज आप सुन सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल उसी प्रोसेस के साथ हमें इसको भी बारीक करना है, लेकिन हम सारा एक साथ बारीक नहीं करेंगे, जितना हमें यूज में लेना हो उतना ही हम उसे बारीक करेंगे, क्योंकि सारा करके रख देंगे तो उसकी खुशबू जो है कम हो जाती है। तो थोड़ा हम पुदीना ले लेते हैं और उसको हम बारीक करते हैं। पहले के जैसे हमें पत्ते को क्रश करना है और इसका पाउडर बनाना है, ये देखिए, और इसको हम एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख देंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, पुदीने को हम बहुत सी सब्जियों में काम में लेते हैं,
सलाद, रायता, चटनी, पुलाव, जलजीरे का पाउडर, पानी पूरी का पानी, सब चीजों में पुदीने का जो पाउडर होता है वो हमारे यूज में आता है। तो पुदीना मार्केट में हर समय अवेलेबल नहीं होता है, ये कुछ ही टाइम के लिए मार्केट में आता है। तो जब ये आता है तो उसको हम इस तरह से स्टोर कर सकते हैं और 12 महीने तक हम इसका खाने के यूज में ले सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने आज आपको वीडियो में बताया उस तरीके से यदि आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, 2-3 साल तक आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। और ये जो मोटा वाला पुदीना है जिसको हमने अभी तक क्रश नहीं किया है, इसको भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर आप रख दीजिए, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। जब भी काम में लेना हो आप इसको निकाल कर इस प्रोसेस के साथ आप इसको कर सकते हैं। इस तरह से मैंने आज आपको 2 तरीके बताए पुदीना पाउडर बनाने का, माइक्रोवेव में और बिना माइक्रोवेव में। जैसी आपकी इच्छा हो आप कोई सा भी तरीका यूज में ले सकते हैं। आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। पुदीने को लंबे समय तक स्टोर करते समय हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि पुदीना जो है अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए, इस बात का आप खास ध्यान रखें। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के द्वारा बताइए कि आपने जो पुदीना पाउडर बनाया वो कैसा बना, अधिक से अधिक अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आपका दिन शुभ रहे।